अड़कनाम आई एम कलाम के बहाने आई एम कलाम के बहाने ये मिहिर पांडे ने लिखा है ये मिहिर पांडे ने लिखा है आई एम कलाम के बहाने फिल्म लेख। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तुमने सुना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखो कलाम का चित्र तुम्हारा पाठ्यपुस्तिका के इकाई दो के पन्ना है। यह कलाम का चित्र है। देखो कलाम कौन है। कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारे 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। सबको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यह रामेश्वरम में जन्म हुआ और उसको वैज्ञानिक भी थे और हम उसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। हमारा पाठभाग आयाम कलाम के बहाने। आयाम कलाम के बहाने नामक इस फिल्म लेख मिहिर पांडे ने लिखा है। यह हमारा लेखक। लेखक का चित्र देखो मिहिर पांडे। मिहिर पांडे, मिहिर पांडे 2 सितंबर 1985 उदयपुर में जन्म हुआ। उनका बचपन बंसथली विद्यापीठ में बीता। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल, पीएचडी आदि की उपाधियां ली। आप लोकप्रिय सिनेमा के अध्येता है। आपने नवभारत टाइम्स, तहलका और कथा देश के लिए हिंदी सिनेमा पर कॉलम लिखे। कई पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख और निबंध प्रकाशित है। आप सिनेमा पर आवाराहुम ब्लॉग का संचालन भी करते हैं। ये है हमारा लेखक। लेखक का नाम मिहिर पांडे। यहाँ लेखक मिहिर पांडे एक सिनेमा देखे। लेखक मिहिर पांडे एक सिनेमा देखे। यह नील माधव पांडे की आयाम कलाम नामक सिनेमा। सिनेमा का नाम आयाम कलाम। यह नील माधव पांडे की रचना है। यह निर्माण किया नील माधव पांडे। यह बहुत मशहूर सिनेमा है। इस सिनेमा देखते हुए उनके मन में अपने बचपन के बारे में वे याद रखे। मिहिर पांडे की बचपन के बारे में वे याद करती है। यह सिनेमा में एक कथापात्र है, एक बालक है, उसका नाम है छोटू। सिनेमा में उसका नाम है छोटू, लेकिन वे छोटू सब उसको बुलाता है छोटू। उसका असली नाम है छोटू, लेकिन वे चिंतित होते हैं। वे याद ये कहते हैं, वे स्वयं कहते हैं वे कलाम होते हैं। उनको कलाम बनाने की चाह है। उनके मन में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कलाम बनना बनने की इच्छा है। इसलिए वे स्वयं कहते हैं मैं कलाम बनता है। समझा। मिहिर पांडे एक सिनेमा देखे। इस सिनेमा का कथापात्र छोटू है। वे इस कथापात्र स्वयं कहते हैं मैं कलाम है, मैं कलाम बनना चाहता है। इस
सिनेमा देखकर हमारा लेखक मिहिर पांडे ने अपने बचपन की याद आते हैं, उनके मन में अपने बचपन की याद करती है। उसके बचपन में उसको भी एक मित्र है, उसकी मित्रता के बारे में इस पाठ में हमसे मिहिर पांडे कहते हैं। इस फिल्म के कुछ भाग हमको देखेगा, एक ट्रायल है, मलयालम में देखो। എന്റെ മകനും എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കും, നാല് കാശ് സമ്പാദിച്ചാൽ കടങ്ങളൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഞാൻ തയ്യും പാൻ്റ് ഇട്ട് വെള്ളിയാളാവും പോവാ, പ്രശസ്തനാകും. നീ ഇവിടെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ വന്നതോ അതോ പഠിക്കാൻ വന്നതോ? ഭാഷയില് ചോട്ടുവിനെ കലാന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ കുട്ടിക്കും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആവാൻ കഴിയും, എന്തിന് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം ആവാനും കഴിയും. आयाम कलाम नामक सिनेमा का ट्रायल है। इस सिनेमा में हम क्या देखे, छोटू नामक एक कथापात्र है, वह एक गरीब लड़का है, इसलिए उसको स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं है। वे आठवीं तक, केवल आठवीं दर्जे में भी पढ़ते थे। इसके बाद वे दुकान में चले थे और दुकान में काम करते हैं। वह वहां रखकर वहां होते हुए भी उनके मन में पढ़ने के भी आग्रह प्रकट करता है और वे कलाम जैसा बनना चाहता है। इस सिनेमा में वे असली में कलाम को देख सकते हैं और कलाम को देखने का अवसर उनको मिला है। लेकिन यहाँ मिहिर पांडे अपने बचपन की याद आती है, अपने बचपन के मित्र के बारे में मिहिर पांडे सोचता है, अपने बचपन के मित्र के बारे में वे सोचता है। उसके मित्र का नाम है मोरपाल, उसका मित्र का नाम है मोरपाल। मोरपाल और मिहिर की बचपन की याद है पाड़भाग। देखो पाड़भाग पहला परिच्छेद। आयाम कलाम के बहाने, यह पाठ का नाम आयाम कलाम के बहाने। आयाम कलाम के बहाने इसके माने क्या है? आयाम कलाम ज्ञान कलाम आनन्न कारणताल, അയാം കലാം കെ ബഹാനെ ഞാൻ കലാം എന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കലാം ആണ് എന്ന കാരണത്താൽ. പല പരിചയം ഗാവ് കെ സ്കൂൾ മേ മേരാ എക് സാത്തി ഥാ മോർപാൽ, വഹി മോർപാൽ ജിസ്നെ എക് ബാർ ഹമാരെ അംഗ്രേസി മാസ്റ്റർ തിവാരി ജീ കോ ലുക്ക് കാ മത്ലബ് ഔർ സഹീ ഹിജ്ജേ പൂച്ഛ്നേ പർ ബതായാ ഥാ LOOK, लुक के
मतलब है देखना। नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की देरी पट्टी में हमारे बैठने की जगह भी साथ दी। वही मोरपाल जिसकी मेरे खाने के डिब्बा में राजमा देखती ही बांछे घिल जाती थी, हमारा सौदा था गेल घंटी में खाने की अदला बदली का। यानी मेरे टिफिन के राजमा चावल उसके और उसके घर से आया बड़ा का बड़ा सा छाछ का मेरा डिब्बा मेरा। उसे पता था कि छाछ मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे मोरबल से मिलने से पहले कदई अंदाजा नहीं था कि काल के स्कूल में उसको एक साथी था, उसका नाम है मोरपाल। मोरपाल उनके बचपन के साथी फ्रेंड, बचपन में उसका साथी है मोरपाल। वे एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उसको अध्यापक तिवारी जी ने, अंग्रेजी अध्यापक तिवारी जी ने उनको लुक का मतलब दुख लुक का हिज्जा पूछना, हिज्जा मीन्स स्पेलिंग LOOK लुक का मतलब पूछे तो वे अच्छी तरह से बताया था LOOK उसका अर्थ है और उसका मतलब है देखना। नाम का बारे में मोरपाल मिहिन मिहिर इसी तरह उसका पहला अक्षर एक होने के कारण वे पास पास बैठती थी, मोरपाल की मिहिर की पास मोरपाल बैठती थी। और घेलगंडी पीटी पीरियड घेलगंडी में उसको मोरपाल लाने वाले छाछ मिहिर को लेता था और मिहिर की लाए राजमा चावल मोरपाल लेता था। वे उसको घेलगंडी के समय उसके खाना उसका भोजन अदली बदली करते थे। अदली बदलने पुड़कगा वांगगा अदली बदली करते थे। इसी तरह वे अच्छे मित्र थे। मोरपाल लाए हुए छाछ मोरे मोरपाल लाए हुए छाछ उसको बहुत पसंद है। मोरपाल को मिहिर को बहुत पसंद है छाछ। इसी तरह मिहिर की लाने वाले राजमा चावल मोरपाल कभी भी देखा था। उसने लाए के पहले मोरपाल इसी तरह राजमा चावल कभी भी ना देखता है। लेकिन मोरपाल को ना होता था इसी तरह राजमा चावल उसे ना देखता था। राजमा चावल एक साधारण चीज है और साधारण भोजन है, लेकिन मोरपाल के घर में इसी तरह चावल न होती थी, इसलिए वे केवल छाछ लाया करता था। इस छाछ हमारे लेखक मिहिर ने लिया गया था। वे 15 किलोमीटर स्कूल साइकिल में लेकर यहाँ स्कूल पर आते थे। 15 किलोमीटर साइकिल से चलकर वे स्कूल में आता था। इसी समय भी वे अपने लिए छाछ बहुत श्रद्धा से बहुत ध्यान से मोरपाल मेहर को लेने के लिए बहुत ध्यान से यह साइकिल से लेकर लाया था। इसके कारण मेहर को यह बहुत अच्छा था और बहुत पसंद है, इसलिए अपने लाए हुए छाछ व किसको ले दिया था, मिहिर को दिया था। और मिहिर लाए हुए राजमा चावल मोरपाल को भी दिया था। उनको अगला परिचय दूसरा परिचय देखो। राजमा जैसी सामान्य चीज किसी के लिए इतनी खास हो सकती है? मोरपाल ने मेरे टिफिन बॉक्स में रखे राजमा को खाने के पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था। वह हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर के किसी गांव के साइकिल चलाता रोज
स्कूल में आता था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वह इस चाच के डिब्बे के रोज 15 किलोमीटर बिना सरासी छलकाए लिए आता था। मैं स्कूल जाने में रोया करता था, रोज नए बहाने बनाया करता, और जब तेज बारिश के दिनों से स्कूल में रास्तों में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल बिना नागा स्कूल क्यों चले जाते थे। अपना लेखक मिहिर ने कहा कि मैं स्कूल में जाने के मुझे बहुत रोया करता था, मैं स्कूल जाने वाले पसंद नहीं था, वहां बारिश के दिनों पानी भर जाता था। इसी समय मिहिर स्कूल न जाता था, वे अपने घर में बैठकर नाचा करता था। नाचना डांस, उसको बहुत उसको पसंद नहीं था, स्कूल के जाने में वे रोया करता था, उसको स्कूल में जाने के बहुत अच्छा न लगा था, इसलिए वे बारिश के दिनों पानी भरने के कारण भी वे स्कूल में नहीं आते थे। वे सोच रहा था कि क्यों मोरपाल जैसा लड़का बिना नागा स्कूल में हर दिन वे स्कूल में चले जाते थे, हर दिन वे स्कूल में जाते थे, इसका कारण क्या है? वे सोच रहा था। कौन सोच रहा था? कौन सोच रहा था? मिहिर पांडे ने सोच रहा था, क्यों मोरपाल जैसा लड़का हर दिन स्कूल में जाता था। अपना लेखक मिहिर पांडे को स्कूल जाने का पसंद नहीं था, वे हर समय रोया करता था, लेकिन वे सोच रहा था मोरपाल जैसा लड़का क्यों हर दिन स्कूल जाता। देखो अगला परिच्छेद। बिना नागा रोज स्कूल क्यों चले जाते थे? उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा छिटा करता और उसे पहनना हमेशा टाला करता। वही मोरपाल मुझे जब भी दिखा, हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ही दिखा। एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली काकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख मैं हैरान रह गया। मोरपाल हर दिन स्कूल में जाता था, उसको स्कूल जाने के बहुत पसंद है, उसको रविवार छुट्टी का दिन है, रविवार छुट्टी का दिन है, रविवार विच डे, रविवार संडे, रविवार हफ्ते में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारा मोरपाल को छुट्टी का दिन और रविवार का दिन बहुत बुरा लगता। कारण क्या है? रविवार छुट्टी है, इसलिए स्कूल न जाने है, उसको हर दिन स्कूल में जाना बहुत पसंद है, इसलिए उसको रविवार का दिन बुरा दिन माना जाता। लेकिन हमारा लेखक पांडे को और मिहिर पांडे को हर दिन स्कूल में जाने को अच्छा न लगता था और उनको न पसंद है, स्कूल जाना पसंद नहीं है, इसलिए वे सोच रहे थे क्यों हमारा मोरपाल को स्कूल में जाने बहुत अच्छा था और स्कूल में जाने के लिए उसको क्यों बहुत पसंद है। लेकिन मोरपाल के संबंध में यह बहुत अच्छा था, उसको सोच रहा था कि रविवार का दिन बहुत बुरा दिन है, रविवार का दिन बहुत बुरा दिन है, क्यों रविवार छुट्टी है, इसलिए स्कूल में न जाने है, इसलिए वे उसको छुट्टी का दिन बहुत बुरा दिन माना जाता था। अगला संभव
उसको हर समय नीली काकी यूनिफॉर्म पहने दे। नीली काकी यूनिफॉर्म उसका यूनिफॉर्म है, मोरपाल और मेहर का यूनिफॉर्म है नीली काकी यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को उस अपना लेगल मेहर को वह न लगता था, न अच्छा लगता था, लेकिन मोरपाल हर समय इस यूनिफॉर्म पहना था। कारण क्या है? उसको बिना अन्य कपड़ा न था, केवल उसको इस यूनिफॉर्म भी था, इसलिए वे हर समय इस यूनिफॉर्म पहना था। कारण क्या है? मोरपाल एक गरीब लड़का है, मोरपाल एक गरीब लड़का है, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे हर समय अपना यूनिफॉर्म पहना था। अपना लेख चिंतित है, उसके एक दिन वे शादी में जाते समय वहां नीली काकी यूनिफॉर्म पहने हमारा मोरपाल आए थे। नीली काकी यूनिफॉर्म पहने शादी में, शादी मैरिज फंक्शन, एक शादी में मोरपाल अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म की तरह वहां आया था। असली में मेहर यह देखकर बहुत हैरान हो गई। वे नीली काकी यूनिफॉर्म पहनने का कारण क्या है? उसको केवल एक ही यूनिफॉर्म था, उसको केवल एक ही कपड़ा था, उसको केवल एक ही वस्त्र था, इसलिए वे हर समय इस यूनिफॉर्म पहना था। इसी तरह उसके मन में अपने बचपन की याद आई थी, मेहर के मन में अपने बचपन की याद आई थी। कैसी समय उसको यह याद आई? नीली पांडा की चित्र फिल्म आयाम कलाम देखने में उसको अपनी मित्रता के बारे में और अपने बचपन के बारे में वे याद आती है। ओके छात्र, आज का क्लास समाप्त हुआ है। दो और तीन बार पुस्तक पढ़ो और समझो। अच्छा, धन्यवाद।